Hello kids, good morning. How are you all? Hope you all are fit and fine at your home. Dear kids, this is your English worksheet. ये आपकी English की worksheet है. आज हम अपनी English की worksheet में page number 106, page number 107 से start करेंगे work. और सबसे पहले हम ऊपर आज की date डालेंगे. देखिए first हमें क्या दिया है page number 106 पर. देखिए page number 106. जिनके पास में worksheet नहीं है वो ये work अपनी copy में करेंगे. ठीक है, मैच द राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स मीन सेम साउंड वाले वर्ड्स को मैच करना है ना. जैसे बी डबल ई बी, एफ डबल ई फी. यहाँ पर देखिए साउंड भी सेम निकल रहा है, बी फी. और अगर और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट वाले लेटर्स रहते हैं उन्हें भी आप देखकर पहचान सकते हैं. जैसे यहाँ पर डबल ई आ रहा है, यहाँ पर भी डबल ई आ रहा है, बी डबल ई बी, एफ डबल ई फी. अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, आर ओ पी रोप, आर ओ पी रोप. रोप के लास्ट वाले हम लोग वर्ड को लेटर्स को देख लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आर ओ पी रोप, रोप आर ओ पी ई, ओ पी ई साउंड निकल रहा है, रोप. ठीक है, अब हमें इसी तरह से देखना पड़ेगा. यहाँ पर यहाँ ओ एम ई है, आई डी एच ओ पी होप, आर ओ पी रोप, एच ओ पी होप. अब हम रोप को होप से मैच करेंगे. ठीक है, तो हमें यहाँ से सेम साउंड आ रहा है ना दोनों का, तो हम इसे मैच कर देंगे. ठीक है, आर ओ पी रोप, एच ओ पी होप. नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है, एच ओ एम ई होम, एच ओ एम ई होम. देखिए फर्स्ट में ही दिया हुआ है हमें डी ओ एम ई डोम, होम डोम. ठीक है, एच ओ एम ई होम, डी ओ एम ई डोम. अब नेक्स्ट हम देखते हैं एस आई डी साइट, एच आई डी हाइट, एस आई डी साइट, एच आई डी हाइट. इसे हम मैच कर देंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं जी ए एम ई गेम, जी ए एम ई गेम, जी एम ई गेम. और इसका क्या आएगा, एफ एम ई फैन. देखिए ए एम ई, ए एम ई. अगर आप लोग चाहे तो लास्ट वाले लेटर्स को देख सकते हैं, जी ए एम ई गैम, एफ एम ई फैम. अब हम इसे मैच कर देंगे. ठीक है, इस तरह से. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, के डबल ई पी किप, के डबल ई पी किप. और यहाँ आएगा जे डबल ई पी जिप. अब हम इसे मैच कर देंगे, के डबल ई पी किप, जे डबल ई पी जिप. अब यहाँ पर देखिए बी ओ एन ई बोन, बी ओ एन ई बोन, टी ओ एन ई टोन. ठीक है, तो आपको इसी तरह से अपना 106 पेज नंबर पर वर्क कंप्लीट करना है. अब हम देखते हैं पेज नंबर 107 पर. हम यहाँ पर ऊपर आज की डेट डालेंगे, मैच द राइमिंग वर्ड. अगेन हमें राइमिंग वर्ड दिए जिन्हें हमें मैच करना है. यहाँ लिखा है टी आर डबल ई ट्री, टी आर डबल ई ट्री, एनओ एस ई नोस. देखिए ट्री थ्री. ठीक है, आर डबल ई, आर डबल ई, यहाँ भी आर डबल ई, टी आर डबल ई ट्री, एफ आर डबल ई फ्री. यहाँ लिखा आर ओ एस ई रोज, एनओ एस ई नोज, एनओ एस ई आर ओ एस ई रोज नोज. ठीक है, हम यहाँ लिखते टी यू बी क्यू, सी यू बी क्यू, यू बी ई, यू बी ई, टी यू बी क्यू, सी यू बी क्यू. अब हम इसे मैच कर देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट है जी ए पी गैप, जी ए पी गैप, सी ए पी कैप. अब हम इसे भी मैच कर देंगे, ए पी ई, ए पी. अब यहाँ पर देखिए आर ए टी और एल ए टी, आर ए टी रेट, एल ए टी लेट. इसे हम मैच कर देंगे. ठीक है, बी ए, बी ए के बैक, सी ए के कैक. इसे हम मैच कर देंगे, एफ आई एन ई फाइन, एन आई एन ई नाइन. इसे हम मैच कर देंगे, आई एन ई, आई एन ई, ए के ई, है ना. सेम साउंड आ रहा है, या फिर आप पीछे वाले लेटर्स को देखकर भी कर सकते हैं. हम लोग पहले भी कर चुके हैं राइमिंग वर्ड, अभी फिर हम लोगों ने करा है. अब देखिए पेज नंबर 107 के आफ्टर में पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 पर सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड आ रहा है. आप लोगों को राइमिंग वर्ड समझ में, हम लोग इतने सारे राइमिंग वर्ड्स करते हुए आए हैं ना. अभी
यहाँ पर हमें क्या बोला है, सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड, जो सही राइमिंग वर्ड है उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है ना। चलिए अब यहाँ पर हमें दिया है सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड, जो सही राइमिंग वर्ड है हमें उसके ऊपर सर्कल बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एम ए के ई मेक है ना, सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड, जो यहाँ पर इस साइड जो वर्ड दिए हुए हैं हमें उसका करेक्ट राइमिंग वर्ड इस लाइन में ही ढूंढना है। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको फर्स्ट लाइन बता रही हूँ, एम ए के ई मेक, मेक इज इक्वल टू मेक का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा, टी ए एल ई टैल बनेगा या टी ए के ई टैक बनेगा, अब आप बताइए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए के ई, यहाँ पर दिया ए एल ई और ए के ई, कौन सा साउंड मैच कर रहा है, एम ए के ई मैक टी ए के ई टेक, तो हम इस टेक के ऊपर क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे। देखिए इस तरह से एम ए के ई मैक और टी एल ई टेल और टी ए के ई टेक दिया हुआ था, तो हम मैक का क्या बनेगा, टेक बनेगा। हम नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, एस आई डी ई साइट, साइट का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा, वाइट बनेगा या वाइस बनेगा, साइट वाइट वाइस बताइए, साइट वाइट वाइट बनेगा है ना, तो हम इस व्हाइट के ऊपर सर्कल बना देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ दिया हुआ टी आर डबल ई ट्री और इसका राइमिंग वर्ड क्या बनेगा, एफ डबल ई एल फील बनेगा या टी आर डबल ई ट्री बनेगा, फ्री ट्री फ्री फील बताइए, ट्री फ्री बनेगा, क्या बनेगा, फ्री बनेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट हम देखते हैं एस ए एल ई सेल, सेल का क्या बनेगा, एम एल ई मेल बनेगा, और यहाँ क्या दिया हुआ है, जी ए टी गेट दिया हुआ है, सेल मेल गेट, तो गेट अलग जा रहा है ना साउंड, तो इसको हम छोड़ देंगे और इसका मेल का बनेगा। यहाँ पर दिया है आर ओ एस ई रोज, सी ओ एम ई कम, एन ओ एस ई नोज, रोज नोज, तो हम इस नोज को सर्कल बना देंगे। अब यहाँ दिया हुआ है के डबल ई पी किप, बी डबल ई पी बिप, बी डबल ई बी, तो किप के साथ क्या आएगा, किप के साथ क्या आएगा, बिप आएगा, क्या आएगा, बिप, हम इस बिप पर सर्कल बना देंगे। हम यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, टी ओ एन ई टॉन, एस ओ एम ई सम, बी ओ एन ई बोन, क्या आएगा, टॉन बोन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टी यू बी ट्यूब, सी यू बी क्यूब, सी यू टी क्यूट, क्या आएगा, ट्यूब क्यूब, इस तरह से। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, एस ओ एम ई सम, सी ओ एन ई कॉन, सी ओ एम ई कम, एस ओ एम ई सम, सी ओ एन ई कॉन, सी ओ एम ई कम, क्या आएगा, सम कम, हम कम पर सर्कल बना देंगे। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 108 का वर्क कंप्लीट। अब हम 100 पेज नंबर 109 सेम दिया हुआ है, सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स, तो इसी तरह से हमें करना है जिस तरह से हमने पेज नंबर 108 पर करा है, उसी तरह से हम पेज नंबर 109 पर भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप आज की डेट डालेंगे, सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड, अब देखिए क्या दिया हुआ है, बी डबल ई बी, के डबल ई पी किप, एस डबल ई सी, तो किस पर आएगा, बी बी किप आएगा या बी सी आएगा, बी सी, कम सी पर सर्कल बना देंगे। हम यहाँ दिया हुआ एल ए टी लेट, जी ए टी गेट, एम एल मेल, बताइए क्या आएगा, लेट गेट या लेट मेल, क्या आएगा, लेट गेट, लेट गेट है ना, इसका राइमिंग बनेगा। हम यहाँ पर देखिए एफ आई एन ई फाइन, एल आई वी लाइव, पी आई एन ई पाइन, फाइन पाइन होगा या फाइन लाइव होगा, फाइन फाइन लाइव या फाइन पाइन, फाइन पाइन, हम पाइन पर सर्कल बना देंगे। हम यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, जी ए पी गैप, टी ए पी टैप, एल ए टी लेट, तो गैप टैप होगा या गैप लेट होगा, गैप टैप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एस ओ एम ई सम, जी ए पी गैप, एस ओ एम ई कम, सम कम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एन ए एम ई नेम, एफ ए एम ई फैम, एस ए एल ई सेल, नेम फैम
सेल, बताइए क्या आएगा, नेम फेम आएगा क्या नेम सेल आएगा, क्या आएगा नेम फेम, हम फेम के ऊपर सर्कल बना देंगे। एम यू टी म्यूट, टी यू बी ट्यूब, सी यू टी क्यूट, म्यूट क्यूट, है ना। और देखो आप लोगों को मैंने बोला था कि बोल बोल कर लिखा करो, कैसे बताया मैंने आप लोगों को, बोल बोल कर लिखना बताया। जिन बच्चों ने ये देखिए, इसके पहले हम लोगों ने इतने सारे राइमिंग वर्ड, अगर जिन बच्चों ने बोल बोल कर लिखे हैं उन सबको रीड करना आ गया होगा, जिन्होंने नहीं लिखे वे इस तरह से रीड नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग है ना घर पर प्रैक्टिस करा करो रीड करने की। एम यू टी म्यूट, टी यू बी ट्यूब, सी यू टी क्यूट, म्यूट ट्यूब आएगा या म्यूट क्यूट आएगा, बताइए म्यूट क्यूट। हम लोग किसी चीज को बोल बोल कर लिखते हैं तो हमें अच्छे से रीड करना पढ़ना आता है। आर आई डी राइड, क्या आएगा आर आई डी राइड, एस आई सी एस आई डी साइड या एम आई एन ई माइन आएगा, राइट साइड आएगा या राइट माइन आएगा, राइट साइड, राइट साइड है ना, राइट माइन नहीं होगा राइट साइड होगा। सी ओ पी कूप, आर ओ एस ई रोज या आर ओ पी ई रूप, क्या आएगा कूप रूप, इनको हम मैच कर देते। तो इस तरह से आपको ये राइमिंग वर्ड्स करना है, पहले हम राइमिंग वर्ड को मैच करेंगे, फिर उसके बाद में राइमिंग वर्ड हमें यहाँ पर जो करेक्ट है उसके ऊपर सर्कल बनाना है। इसी तरह से आपको ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है। आज के आप डेट डाल लेंगे और बोल बोल कर आप जो भी वर्क करें बोल बोल कर करें, नहीं आता है तो जैसे मैंने वीडियो में बताया है आप उन वर्ड्स को वीडियो को रिपीट कर लो, है ना, या अगर आपके कोई पेरेंट्स है आपके साथ में बड़े तो आप उनकी भी हेल्प लेके अच्छे से रीड करके अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।